यीशु बोला था तुम्हें। माय बेलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आई एम सो हैप्पी टू सी एवरी वन ऑफ यू थ्रू दिस प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी को देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू मेडिटेट अबाउट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड इन अवर लाइफ। और आज हम एक ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। Shall we turn to Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. Therefore, be imitators of God as dear children and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. आइए हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 1 और 2 वचन। और इसीलिए प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंध भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। इन दिस वर्ल्ड वी आर ऑल द टाइम वांट समवन टू लव अस। और इस दुनिया में हर समय हमें ऐसा लगता है हम हर एक ऐसे किसी व्यक्ति को चाहते हैं जो हमसे प्रेम करता रहे। I don't have anybody to love me. That's a cry of so many people, especially young children. और कई लोग ऐसा कहते हैं, उस विशेष करके जो युवा हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे प्रेम करे। But this verse clearly tells us that Christ loves you. लेकिन ये वचन आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। He loves every one of you. वो आप में से हर एक से प्रेम करते हैं। That's why he gave his life on the cross. और इसीलिए तो उसने अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया। We are going to meditate about it more in the message. और इसी विषय पर हम आज के प्रचार में ज्यादा मनन करेंगे। So be of good cheer. और इसलिए खुश हो जाए। When God is for you, who can be against you? जब परमेश्वर आपकी ओर से है तो आपके विरोध में कौन होगा? His love is more than enough for you. उसका प्रेम आपके लिए काफी है। Get filled with the divine love of God. और इसलिए परमेश्वर के इस अलौकिक प्रेम से भर जाए। And you will also be loved by other people. ताकि और दूसरे लोग भी आपको प्रेम करना शुरू करें। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन के संदेशों के द्वारा लाखों लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और करुणा को महसूस किया है। तो आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को सुने। He says in 3 John 2, तीसरा यूहन्ना के वचन 2 में वह कहता है कि Beloved, हे प्रिय, I wish above all things that you may prosper and be in health. As your soul prospers. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Many people ask me what is God's will concerning my life. बहुत से लोग पूछते हैं मेरे जीवन के बारे ईश्वर की इच्छा क्या है। Of course, He has certain important tasks for separate individuals. निश्चय ही उसने अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग काम रखे हुए हैं। Individually, He has some targets to achieve. और ऐसे व्यक्तिगत उद्देश्य भी हैं जिन्हें पूरा करना है। Probably you are chosen for God's ministry. शायद आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुने गए हैं। That is different. वो अलग बात है। But generally, what is God's wish for everybody? लेकिन सामान्य रूप से हर एक के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? Jesus says, I want you to prosper in the world. यीशु कहता है कि मैं चाहता तुम्हें संसार में उन्नत हो। God is a God who wants to bless you all the time. परमेश्वर ऐसा ईश्वर है जो आपको हमेशा आशीष देना चाहता है। He is a God of blessing. वह तो आशीषों का परमेश्वर है। Luke chapter 19, 1 to 10. अगर आप लुका 19 1 से 10 देखें, there is a moving story. वहाँ एक बड़ी द्रवित कहानी है। One day the Lord Jesus Christ was passing by a particular city. एक शहर से एक दिन यीशु गुजर रहे थे। The chief tax collector, a very big government official of that city by name Zacchaeus. Heard about it. और उसके बारे में एक बड़े महसूल लेने वाले जकेस ने उसे सुना। He wanted to have a glimpse of Jesus. वो यीशु का एक दर्शन बस पाना चाहता था। He was a short man. वो एक नाटा व्यक्ति था। He ran up a sycamore tree. और एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। Hid himself in that. और वहाँ पर उसने अपने आप को छुपा लिया। And the Lord Jesus was passing that way. और यीशु उस रास्ते से जा रहे थे। Suddenly he came. अचानक वो आए। He came to the tree. उस पेड़ के पास आए। Stopped there.
foot of the tree. और उसके पास नीचे खड़े हुए. And he looked up. और उन्हें ऊपर देखा. He saw the hidden man. और छुपे हुए व्यक्ति को देखा. Not only that. और उतना ही नहीं. He called this man by his name. उसके नाम से उसे पुकारा. He is it Zacchaeus? उन्हें कहा जक्कई. Zacchaeus. जक्कई. Come down. नीचे उतरा. Come quickly. जल्दी नीचे आ. I want to come home. मैं तेरे घर आना चाहता हूँ. I want to stay with you. मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ. Zacchaeus. जक्कई. Come home. नीचे आ घर. Zacchaeus. जक्कई. Come quickly. जल्दी से आ. With great rejoicing. बड़े आनंद के साथ. The man took Jesus Christ to his house. जक्कई उसे अपने घर लेकर के गया. When Jesus went into his house. जब यीशु उसके घर में आए. What did he say? तो उन्हें क्या कहा? Today salvation has come to this house. आज इस घर में उद्धार आया है. Today blessing has come to this house. आज इस घर में आशीषें आई हैं. Every curse has departed. हर एक श्राप जो है चला गया है. Oh, what a joy. कितने आनंद की बात है. What a blessing. कितने आशीष की बात है. I'm telling you a true story now. अब मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ. There is a couple living in Singapore. सिंगापुर में एक दंपति रहता है. Mr. and Mrs. Satar. मिस्टर और मिसेस सतारा उनका नाम है. They do not know anything about Jesus. वो यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे. But they were having lot of debts. लेकिन उनके बहुत ज्यादा कर्जे थे. Lot of financial problems. बहुत ज्यादा आर्थिक कठिनाइयां थीं. They didn't know what to do. और नहीं जानते थे कि क्या करें. One day. एक दिन. A friend of Mrs. Satar. मिसेस सतारा की एक सहेली ने उन्हें कहा. There is one brother Dinakaran. एक भाई है दिनाकरन. He has produced some song albums with some speeches and prayers. और उन्हें कुछ प्रार्थनाओं और संदेश के साथ कुछ गाने के एल्बम निकाले. If you can buy one of them. अगर आप उनमें से खरीदेंगी. Listen to that. और उसे सुनेंगी. Oh, you'll find great comfort and consolation. तो आपको बड़ी शांति और सांत्वना मिलेगी. So this woman went to the shop. तो ये जो स्त्री थी वो दुकान में गई. Inquired about the albums prepared by me. और मेरे द्वारा बनाए गए एल्बम के बारे में पूछा. He had one album. उनके पास एक एल्बम था. The title of this album is The Lord in Your Home. और उसका शीर्षक है आपके घर में प्रभु. The Lord in Your Home. The Lord in Your Home. In that I spoken if God comes to your home. मैंने उसमें कहा है कि अगर ईश्वर आपके घर आए. What blessings would follow? तो कौन सी आशीषें आपके जीवन में आएंगी? She took it home. वो उसे घर ले गई. Started playing it. और उसे सुनने लगी. It is in Tamil language. यह तमिल भाषा में है. She was very much touched by the message and the song. और संदेश और गीत के द्वारा वो बहुत स्पर्शित हुई. And she said, "How nice it would be if Jesus can come to my house." और उसने कहा, कितना अच्छा होगा अगर यीशु मेरे घर में आने पाए. Suddenly there was a tap on the door. और अचानक एक दरवाजे पर खटखटाहट हुई. She went and opened the door. जाकर उसने दरवाजा खोला. Oh, there was nobody. लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था. Then she closed the door. तब उन्हें दरवाजे को बंद कर दिया. And she was listening to the album. और वो एल्बम को फिर से सुनने लगी. Again there was a knock. फिर से दरवाजे पर खटखटाहट हुई. Went and opened. और उन्हें जाकर दरवाजा खोला. Nobody. वहाँ कोई नहीं था. She came back. वो वापस लौटी. And she was praying. और प्रार्थना करने लगी. If Christ can come to my house. अगर यीशु मेरे घर में आ सकते. How nice it would be. तो कितना अच्छा होता मेरे परिवार के लिए. And suddenly. और अचानक ही. She saw somebody entering her home. उन्हें देखा कि कोई उनके घर में प्रवेश कर रहा है. She was amazed. वो चकित रह गई. She looked into the face of this person. उस व्यक्ति के चेहरे को उसने देखा. Great love. महान प्रेम था वहाँ. Great compassion. वहाँ बड़ी करुणा और दया भरी हुई थी. Radiated in that person's face. और उस व्यक्ति के चेहरे पर बड़ा दया भाव था. And he said. और उसने कहा. I am Jesus. मैं यीशु हूँ. Why did you call me? तुमने मुझे क्यों पुकारा? Why did you call me? तुमने मुझे क्यों पुकारा? She didn't know what to say. वो नहीं जानती थी क्या कहे. Fell at his feet. उसके पांव पर गिर पड़ी वो. Worshipped him. उसकी आराधना की. Cried and cried. और रोती रोती. Lord, I need your blessing. प्रभु जी मुझे आपकी आशीष चाहिए. Please bless me. मेहरबानी से मुझे आशीष दें. And he blessed her. और उसने उसे आशीष दी. There he stood for several minutes and blessed her. कई मिनटों तक खड़े रहकर उसे आशीष दिया उसने. And he disappeared. और उसके बाद यीशु मसीह वहां से गायब हो गए. Blessings after blessings began to flow her way. और उसके रास्ते में एक के बाद एक आशीष आने लगी. Every one of her children who were away from God came back to God. उसका हर एक बच्चा जो परमेश्वर से दूर था उसके पास आ गया. Her husband, और उसका पति, who is a taxi driver, even today got so much of business
He paid back all the debts. उसका पति भी जो एक टैक्सी ड्राइवर है, आज भी उसको इतना ज्यादा आशीष मिली, उसने सारे कर्जे चुका है। Oh, their home is a blessed home too. और आज जो उनका घर है, एक धन्य आशीषित घर है। In every way they are blessed. और हर तरीके से वे आशीषित हैं। This is a true story. ये एक सच्ची घटना है। My dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। Jesus Christ says. यीशु कहता है। I want you to prosper. मैं चाहता हूँ तुम उन्नत हो। I do not want you to go down in life. मैं नहीं चाहता कि तुम जीवन में नीचे पतन की ओर चले जाओ। I want you to prosper. मैं चाहता हूँ कि तुम उन्नत हो। Cheer up tonight. इसलिए आज रात आप खुश होइए। Every one of you is a blessed person tonight. आज की रात आप में से हर एक एक धन्य व्यक्ति है। God is calling you my beloved. परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे प्रिय हो। My beloved son. मेरे प्रिय बेटे। My beloved daughter. मेरी प्रिय बेटी। And you are going to ask him. और आप उससे ये कहेंगे, My father, मेरे पिताजी, come home, घर आइए, My father, मेरे पिता, come home, आप मेरे घर आइए, I want you to live in my home, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में रहें, I want you to bless my home, मैं चाहता हूँ आप मेरे घर को आशीष दें, All that you need is God in your home, आपको बस अपने घर में परमेश्वर की आवश्यकता है, देव हमारे, says I am here to bless, और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष देने के लिए हूँ, Proverbs chapter 10 and verse 22 say, नीति वचन 10 वचन 22 कहता है, blessing of the Lord shall make any man rich, परमेश्वर की आशीष किसी भी व्यक्ति को धनी बनाती है, any man can be made rich by the blessing of God, परमेश्वर की आशीष से कोई भी धनी बन सकता है। Cheer up tonight. आज रात खुश होइए। God says. ईश्वर कहता है। My son. मेरे बेटे। My daughter. मेरी बेटी। You are my beloved. तुम मेरे प्रिय हो। Given my life for you. मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया है। I want your soul to prosper. मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा प्राण जो उन्नत हो। Want you to prosper in the world. मैं चाहता हूँ तुम संसार में उन्नत हो। Want your body to be in good health. मैं चाहता हूँ तुम्हारा शरीर जो स्वस्थ रहे। Every curse. I will remove. और हर एक श्राप को मैं दूर करूंगा। And I will come home. और मैं घर आऊंगा। I will live with you. तुम्हारे साथ रहूंगा। How many of you would like to take Jesus home tonight? आज रात कितने यीशु को अपने घर ले जाना चाहते हैं? Hallelujah. Hallelujah. You are going to be the blessed, most blessed people. आप सबसे ज्यादा आशीषित जन होंगे। My precious brothers and sisters, let us humble ourselves and look unto God through prayer. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की ओर देखें। Our loving Father, हमारे प्रेमी पिता, we all have come to your presence right now. और प्रभु इस समय हम सभी आपकी उपस्थिति में आए हैं। We have gathered as one family. एक परिवार होने के नाते हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। You are our Father. आप हमारे पिता हैं। We have come with all our agony, all our needs. And all the questions we have in our heart, with all that we have come, Master. Oh, प्रभु परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं अपनी सारी पीड़ाओं के साथ, हमारे दिल के कई सवालों को लेकर प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए हैं. Because you are our Father. क्योंकि आप हमारे पिता हैं. Our heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता हैं. Lord, you have come to hear our cry. प्रभु आप आए हैं हमारी पुकार सुनने के लिए। On behalf of your children, I am crying unto thee. और प्रभु आपके संतानों की ओर से प्रभु मैं आपके लिए पुकारती हूँ। Lord, they say they don't have strength to bear the agony. और प्रभु ये कहते हैं कि इनके पास वो पीड़ा को सहने की ताकत नहीं रही। They have so much of needs every day in every day's life. और प्रभु इनके जीवन के हर एक दिन इनकी कई जरूरतें इनके जीवन में हैं। Where can I go for this help? They are crying. और ये पुकार रहे कि हे प्रभु अपनी सहायता मदद पाने के लिए हम कहाँ जाएं? But you are their father. लेकिन आप तो उनके पिता हैं। As we read the beautiful verse in the Bible. और जैसे हमने बाइबल में से बहुत ही सुंदर वचनों को पढ़ा। You strengthen your children right now. प्रभु इसी समय आप अपने संतानों को सामर्थ्य दें। They are weak in their body. प्रभु ये कमजोर हैं अपने शरीर में। Weak in their soul. इनके प्राणों में कमजोर हैं। But strengthen them right now. प्रभु लेकिन इसी समय उन्हें सामर्थ्य दें। Strengthen them right now. इसी समय इन्हें सामर्थ्य दें। Lord, strengthen their body, soul and mind. प्रभु इनके आत्मा प्राण और शरीर को आप सामर्थ्य दें। Let them have a hope and faith that Jesus has taken over every problem. और प्रभु होने दें इनके पास ये आशा और विश्वास हो कि प्रभु यीशु मसीह आपने इनके सारी समस्याओं को ले लिया। From this moment onwards, it's your duty to take care of your children. ओ प्रभु आज के इस समय के आगे प्रभु ये आपका काम है कि आप अपने संतानों को संभालें। If they are far away from you, Master. यदि स्वामी आपसे बहुत दूर हैं। By thy mighty power, strengthen them and bring them closer to you.
प्रभु अपनी महान सामर्थ के द्वारा प्रभु आप इन्हें ताकत दें और अपनी नजदीकी में ले आए। Bring them closer to you right now. और प्रभु इन्हें अपनी नजदीकी में ले आए इसी समय। Without their knowledge. और इन्हें पता न पड़े इससे पहले। Those who are addicted with various kinds of evil habits. वे लोग जो हर प्रकार की बुरी आदतों से ग्रसित हैं। Bring them out of all those things and strengthen them. और ऐसी बुरी आदतों से इन्हें बाहर लाएं और प्रभु इन्हें सामर्थ्य दें। Make everyone your child. हर एक को अपनी संतान बना लें। Through that. और उसके द्वारा। Through that. और उसके द्वारा। Let them all receive your power. होने दे ये सभी आपकी सामर्थ को पाएं। Your blessing. आपकी आशीषों को पाएं। In an abundant way. आप बहुतायत तरीके से। Lord bless them abundantly. प्रभु इन्हें बहुतायत से आशीष दें। They don't have money. इनके पास पैसा नहीं है। Supply this need. तो इनकी जरूरत को पूरा करें। If they don't have a job. यदि इनकी नौकरी नहीं है। Give them the best job. तो इन्हें बहुत ही अच्छी नौकरी दें। If they need a partner in life. यदि इन्हें जीवन में जीवन साथी की जरूरत है। Give them the best partner right now. तो इसी समय सबसे बेहतर जीवन साथी इन्हें दें। Those who are not getting married for a long time. वे लोग जिनके कई लंबे समय से विवाह नहीं हुआ है। Strengthen them and give them the right partner right now. प्रभु इन्हें सामर्थ्य दें और इसी समय सही जीवन साथी इन्हें इसी समय दें। Those who don't have a child. और वे लोग जिनके घर में संतान नहीं है। Bless their womb. और प्रभु उनके गर्भ को आप आशीष दें। Bless their womb. उनके गर्भ को आशीष दें। Let them conceive right now by thy mighty power and by thy strength. और प्रभु आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी सामर्थ्य शाली शक्ति के द्वारा इसी समय ये गर्भ को धारण करें। In the spirit, if they are low and they are not able to worship you or seek you as they have to do, Lord, give them your strength. Let them come closer to you and seek you with all their heart. और प्रभु यदि आत्मा में बहुत ही नीचे हैं, बुझे हुए से हैं, जिस तरीके से इन्हें आपकी आराधना करनी चाहिए ये नहीं कर रहे हैं, प्रभु ऐसे लोगों को अपनी सामर्थ्य दें और अपने नजदीकी में लाए ताकि ये पूरे हृदय से आपकी आराधना करें। Those who say we want more power, more gifts, and we want to serve the Lord. और वे लोग जो कहते हैं कि हमें और भी सामर्थ्य चाहिए, और भी वरदान चाहिए, हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। Touch them, Lord. ऐसे लोगों को आप स्पर्श करें। Touch them. उन्हें स्पर्श करें। And strengthen them. और उन्हें सामर्थ्य दें। Give them all the gifts. और इन्हें सारे वरदान। Give them all the gifts. सारे वरदान इन्हें दें। Strengthen them and use them for your glory. प्रभु इन्हें सामर्थ्य दें और अपनी महिमा के लिए इनका उपयोग करें। Bless your children. अपने बच्चों को आशीष। Bless your children. अपने बच्चों को आशीष। Jesus mighty name we pray. यीशु के महान नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। 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 परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को भरपूर आशीष प्रदान करेगा।